एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, हरिया और किशन। दोनों बचपन से ही बेरोजगार थे। एक दिन दोनों दोस्त एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। किशन, हम दोनों कितने दिनों से बेरोजगार हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ हरिया, हम लोग कब तक ऐसे घूमते फिरते रहेंगे? हम ऐसा क्या करें कि हम अमीर हो जाएं? हरिया, क्यों ना हम अपने गुरुजी के पास चले, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ किशन, तुम सही कह रहे हो, हम अपने गुरुजी के पास चलना चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो फिर। चलो किशन, चलते हैं। दोनों वहां से उठकर अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास पहुंचने पर गुरुजी बोले, अरे हरिया और किशन, आज यहाँ कैसे आना हुआ दोनों का? गुरुजी, हम बहुत दिनों से बेरोजगार पड़े हैं, हमें कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? जी गुरुजी, आज आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, इसीलिए हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। अच्छा, तो ये परेशानी है। जी गुरुजी। ये लो मेरे तरफ से ये 1,000 रुपए, इससे अपना अपना कोई बिजनेस करो, 1 साल में मुझे ये पैसे लौटा देना। गुरुजी, हम आपके पैसे 1 साल में जरूर लौटा देंगे। अब दोनों 1,000 पाकर बहुत ही खुश थे और आपस में बात कर रहे थे। ऐसे ही 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला, और दोनों दोस्त अपने गुरुजी के पास वापस आए। गुरुजी जी बोले, हरिया लाओ मेरे 1,000 रुपए। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं आपके पैसे देने में असमर्थ हूँ। नहीं है का क्या मतलब है, हमसे सारे पैसों का क्या किया? मैं पैसे देखकर लालच में अंधा हो गया था और सारे पैसे घूमने खाने में खर्च कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। उसके बाद गुरुजी किशन से पैसे मांगे। तुम किशन, तुम लाए हो क्या? फिर तुमने भी पैसे उड़ा दिया। किशन अपने पास से निकालकर 2,000 रुपए दिया। मैंने तो तुम्हें 1,000 दिया था, तो तुम मुझे 2,000 क्यों दे रहे हो? गुरुजी, मैं यहाँ से जब गया, मैंने देखा कि एक किसान अपने खेत से मेहनत कर जो अनाज रहता उसको ले जाकर बाजार में बेच देता था, तो मैंने वही सोचा कि इन पैसों का कोई काम शुरू कर लेता हूँ, और मैंने एक फल की दुकान खोली जिससे आज उस पैसे से कई गुना कमा पाया हूँ। और मैं आपको 2,000 इसलिए दे रहा हूँ कि आगे भी आप किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। किशन, तुमसे बहुत खुश हूँ, काश हरिया ने मेहनत की होती, आज वो भी सेठ होता। शिक्षा, कभी भी अपने समय का दुरुपयोग ना करे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।